हाँ? हाँ, मैंने सोचा अंकल को अपनी मोहब्बत का यकीन खुद ही दिला दूँ। कौन है मेरा बेटा? आई आई अरे जमान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत अच्छा किया तुम मिलने आ गए। हाँ अब बैठो। रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें कोई भी मिलने आ जाए तो लगता है हजूम से मिल रहा। तो अंकल आप हुक्म कर देते, मैं फौरन चला आता। अरे बेटा, हुक्म ना भी करे तो चले आया करो, तुम्हारा अपना घर है, बेटे हो इस घर के। सुन रही हैं आप? बेटा हूं मैं इस घर का, आप ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूं। अरे नहीं, चाय नहीं, आज जबान खाना खा कर जाएगा। नहीं नहीं अंकल, आज सिर्फ चाय, खाना फिर किसी दिन से। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मामा से बात कर लेता हूँ, इजाजत ले लेता हूँ उनसे। नहीं नहीं अंकल, मामा को भला क्या एतराज होगा, आज खाने का बस वैसे ही मूड नहीं है। ओके, as you wish, ठीक है, हमारे लिए चाय ले आओ। पारिस घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अभी अभी जिम के लिए निकले। अच्छा चले, आप लोग बैठे, मैं आती। अंकल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, मैंने अभी कहा कि तुम इस घर के बेटे हो, जो कहना है कहो, कोई तमीज बांधने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा, मैं ऐसे अकेले आकर ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। कहा ना बेटा, जो कहना है कह दो। अंकल नवेरा ने मुझे बताया कि आपको मुझे लेकर कुछ रिजर्वेशंस हैं, मगर मैं आपको हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूँ कि मैं नवेरा को बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी कोई गिला नहीं होगा। देखो जवान बेटा, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई इनसिक्योरिटी नहीं, बेटी का बाप हूँ मैं। और नवेरा बहुत छोटी थी जब उसके सर से उसकी माँ का साया हट गया, मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला है उसे, और उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला उसकी खुशी और मर्जी से अगर मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अंकल ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी मामा का रवैया मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। नवेरा मेरी सबसे कीमती औलाद है जो मैं उनके सपोर्ट कर रहा हूँ, और उन्हें मेरी बेटी की इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो खुद घर आकर शादी की डेट ले लेती, डेट फोन पर हुक्म की तरह सुना दी। उनके रवैये के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अंकल, मगर आप यकीन कीजिए मामा नवेरा को बहुत चाहती है। बेटा ये कैसी चाहत है जिसकी यकीन दहानी तुम्हें करवानी पड़ रही है? मुझे लगता है अंकल कि वो आजकल बहुत अपसेट है, बाबा की डेथ को बस 2 ही साल हुए हैं और इस मौके पर उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बस बेटा, और किसी यकीन दहानी की जरूरत नहीं, यकीनन जो तुमने मुझे अपनी मामा की मजबूरी बताई है यही उनकी डिस्टर्बेंस की वजह होगी। आप प्लीज़ उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लीजिए, मामा ने जिस मोहब्बत से मुझे और अनुष्पा को पाला है, आप देखिएगा नवेरा को भी यही मोहब्बत देंगी।